हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। 90s के दशक की फेमस एक्ट्रेस रंभा आज कई सालों बाद मीडिया में हाईलाइट हुई हैं, लेकिन हाईलाइट होने का जो कारण है वो एक बुरी खबर है। वैसे रंभा के इतने दिनों बाद खबर में आने से उनके कई फैंस के मन में उनको लेकर कई सारे सवाल भी लौट आए हैं, जैसे कि रंभा ने इंडस्ट्री क्यों छोड़ दी थी, वो आजकल कहाँ हैं, क्या कर रही हैं और उनकी मैरिड लाइफ कैसी है। कई लोग रंभा की हैप्पी फैमिली की तस्वीर देखकर ये सोचते हैं कि उनकी हैप्पीली मैरिड लाइफ है, पर ये बात पूरी तरह सही नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इन सवालों के जवाब और साथ में ये भी कि रंभा अपनी शादीशुदा लाइफ में किस तरह फ्रॉड का शिकार हुई और किस तरह एक बार उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश भी की थी। वैसे रंभा खबर में क्यों है, चलिए पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। दरअसल रंभा ने इस बुरी खबर की जानकारी खुद ही अपने फैंस को सोशल मीडिया के जरिए दी। वो बुरी खबर ये है कि वो अपने बच्चों को स्कूल से लेकर कार में घर लौट रही थी, तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में गाड़ी तो काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन किसी को गंभीर चोट नहीं आई। हाँ, रंभा की बेटी को थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, जिसके लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अब उनकी बेटी वापस घर आ चुकी है और जिस तरह उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने फैंस को एक्सीडेंट की जानकारी दी थी, वैसे ही उन्होंने अपनी बेटी के वापस घर लौटने पर भी अपने फैंस का दिल से आभार व्यक्त किया है। रंभा अपने ज़माने की एक जानी मानी ग्लैमरस एक्ट्रेस रह चुकी हैं। रंभा का असली नाम विजया लक्ष्मी है। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक तेलुगु फैमिली में हुआ था। उन्हें महज 15 साल की उम्र में ही फिल्म में काम ऑफर हो गया, हालांकि वो उनकी पहली फिल्म मलयालम फिल्म थी। रंभा ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और वो पूरी तरह से फिल्मों में काम करने लगी। रंभा ने तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी और भोजपुरी भाषाओं में 100 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है। उन्होंने 1995 में जल्लाद मूवी से हिंदी सिनेमा में अपनी जर्नी शुरू की थी। उन्होंने कई सारी फिल्मों में अच्छा काम किया है और वो उस समय की ग्लैमरस एक्ट्रेस के रूप में काफ़ी फेमस भी थी। उन्होंने तमिल में जहां रजनीकांत जैसे सुपरस्टार के साथ काम किया है, वहीं हिंदी सिनेमा में सलमान और गोविंदा जैसे एक्टर के साथ भी काम किया है। कहा जाता है कि साल 2003 में रंभा ने अपने भाई के साथ मिलकर एक फिल्म प्रोड्यूस की थी जो कि बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। इस फिल्म के फ्लॉप होने से रंभा बुरी तरह कर्जे में डूब गई थी और कर्ज को चुकाने के लिए उन्हें अपना चेन्नई वाला घर भी बेचना पड़ा था। उन पर एक फाइनेंसर ने चेक बाउंस होने के कारण केस भी कर दिया था। हालांकि रंभा ने जल्द ही अपना करियर संभाल लिया। साल 2008 में एक और अफवाह उड़ी थी कि जिसमें यह कहा गया कि रंभा ने सुसाइड करने की कोशिश की थी और उन्हें बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया था। हालांकि बाद में एक्ट्रेस ने इसे एक र्यूमर बताया और बोला कि उन्होंने शूट के दौरान फास्ट ट्रैक लिया था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और वो बेहोश हो गई थी। रंभा जिन दिनों अपने करियर के पीक पे थी, उन दिनों बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस के अफेयर और रोमांस की चर्चा होना आम बात हुआ करती थी, पर रंभा के मामले में कभी भी कुछ ऐसा नहीं रहा। उनका नाम कभी भी किसी एक्टर के साथ नहीं जुड़ा। वो शायद वन मैन वुमन थी। रंभा जब अपने करियर के पीक पर थी, तब उन्होंने साल 2010 में शादी करने का फैसला किया। शादी करके उन्होंने इंडस्ट्री को पूरी तरह छोड़ दिया। उनसे कई सारे इंटरव्यूज में यह सवाल पूछा गया कि करियर के पीक पर उन्होंने ऐसा फैसला क्यों किया। इस पर रंभा ने कहा कि वो पैसे के लिए नहीं बल्कि नाम कमाने के लिए फिल्मों में काम कर रही थी, लेकिन उन्हें कभी कोई ऐसा रोल या काम नहीं मिल पा रहा था जो भविष्य में याद किया जा सके। उन्हें डांसर या ग्लैमरस एक्ट्रेस के तौर पर ज़्यादा काम मिल रहा था जो उन्हें वर्थफुल नहीं लगा। इससे तो अच्छा था कि वो शादी करके अपना घर बसा ले। रंभा ने एक श्रीलंकन बेस्ड बिजनेसमैन से शादी कर ली जिसका नाम इंद्रन पद्मनाथन था। इंद्र कुमार कनाडा के टोरंटो में फेमस कंपनी मैजिक वुड्स के चेयरमैन और सीईओ हैं। मैजिक वुड्स किचन कैबिनेट और बाथरूम वैनिटीज बनाती है। शादी के बाद रंभा अपने पति की कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर भी बन गई। शादी के बाद रंभा ने भले ही फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था, पर उन्होंने टीवी ज्वाइन कर लिया। वह कई टीवी शोज में जज और पार्टिसिपेंट रहीं। रंभा ने भले ही खुद को हैप्पी लाइफ देने के लिए शादी कर ली थी, लेकिन उनके करियर की तरह शादीशुदा लाइफ भी अप्स और डाउन से भरी रही। शादी में ही उनके साथ फ्रॉड हो गया। रंभा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पति पहले से शादीशुदा थे, लेकिन उन्होंने यह बात रंभा से छुपाई। शादी के बाद उनके हस्बैंड का बिहेवियर भी उनके साथ कुछ खास अच्छा नहीं रहा। वो शराबी और गाली गलौज करने वाले इंसान थे। वैसे भी जिस इंसान ने यह बात छुपाई हो, उसकी पर्सनैलिटी नैतिक तौर पर अच्छी तो नहीं होगी। इन सब के बावजूद रंभा ने कभी शादी तोड़ने की बात नहीं सोची, बल्कि वो शादी को निभाती रही। असली परेशानी तब शुरू हुई जब 2011 में वो माँ बनी। कहा जाता है कि उनके हस्बैंड उन्हें फाइनेंशियली काफ़ी परेशान करते थे और वो रंभा और उनकी बेटी को किसी भी तरह का मेंटेनेंस चार्ज नहीं देते थे। रंभा को इसके लिए फैमिली कोर्ट का रुख करना पड़ गया था। बाद में कोर्ट में सेटलमेंट के बाद उनके पति ने उनसे माफ़ी मांगी।
साल 2015 में उनकी दूसरी बेटी शाशा हुई और उसमें भी फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो गई। इतनी परेशानियों के बाद भी रंभा इस शादी को तोड़ना नहीं चाहती थी, बल्कि वो अपने पति और बच्चे दोनों के साथ रहना चाहती थी। पति ने जब बच्चों का खर्च उठाने में आनाकानी शुरू कर दी थी तो उन्होंने फिर से 2016 में कोर्ट का रुख किया। वहाँ उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन के अधिकार के लिए अपील की। उन्होंने साथ में यह भी दलील दी कि उनका पति 25 लाख रुपए महीना कमाता है, रंभा का कोई प्रॉपर इनकम सोर्स नहीं है, जबकि उसे बड़ी बेटी के पढ़ाई और छोटी बेटी के मेडिकल हेल्थ का खर्च उठाना पड़ता है। इसलिए कोर्ट उनके पति को यह आदेश दे कि वो उनके बच्चों को कम से कम 2.5 लाख महीने का मेंटेनेंस खर्च दें। हालांकि बाद में यह बात भी संभल गई और दोनों में फिर से सेटलमेंट हो गया। रंभा के तलाक की अफवाह कई बार उड़ी पर रंभा ने हर बार उसे नकार दिया और उन्होंने सोशल मीडिया को यही स्टेटमेंट दिया कि वो अपने शादीशुदा ज़िंदगी में खुश है और आगे बढ़ रही हैं। 2018 में रंभा ने एक और बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने शिविन रखा। रंभा ने इतनी सारी मुसीबतें और अफवाहों के बीच अपनी शादीशुदा लाइफ को बचाए रखा और उनके सोशल मीडिया के पिक्चर्स को देखकर यही लगता है कि वो फ़िलहाल अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।